नमस्कार, स्वागत है आपका जीके वितार के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे फीफा विश्व कप 2018 के बारे में। इसमें आपको सारा जानकारी मिलेगा, किसने मैच जीता, इसका आयोजन कहाँ हुआ या कितने इसमें कितने देश भाग लेते हैं। सारा जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा इसका सारा डिटेल्स। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए देखते हैं हम लोग फीफा विश्व कप 2018 के बारे में। फीफा विश्व कप 2018 विजेताओं की सूची। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि फीफा का जो फुल नाम है वो क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा, द्वारा हर 4 वर्ष में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाता है। और यह क्या है, फीफा विश्व कप जो होता है प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में दोस्तों, 4 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, और फीफा का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। यह 32 देशों के पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, और इसमें कुल जो है सो 32 देश भाग लेता है। कितने दोस्तों, 32 देश भाग लेता है। और यह इस फीफा विश्व कप में जो है सो जो सिर्फ पुरुषों की ही टीमें इसमें भाग लेती है। टूर्नामेंट की मौजूदा विजेता रूस में आयोजित फीफा विश्व कप 2018 जीतने वाली फ्रांस है, यानी कि इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों फीफा विश्व कप 2018 का कहाँ हुआ, रूस। आपको इसमें से प्रत्येक पॉइंट यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट है आपको इसमें से रट जाना है, यदि क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। रूस में इसका आयोजन हुआ कब, 2018 में, और जीता कौन, फ्रांस ने जीता दोस्तों। फीफा विश्व कप 2018 का संक्षिप्त विवरण, ये आपको जानना जरूरी है, जो लगभग ये विविध टाइप का है, इसको ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो इसका आयोजक जो है, फीफा का जो आयोजक है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, इसका आयोजन करता है। इसका स्थापना दोस्तों हुआ था 1930 में, और इसका मुख्यालय जो है सो आपको बता ही दिया कि स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसका कुल टीम जो है 32 टीम है वर्तमान में। वर्तमान विजेता फ्रांस है 2018 में, किसने 2018 में फ्रांस में मैच को जीत लिया है, क्रोशिया को 4-2 से हरा के। दोस्तों क्रोशिया को फ्रांस ने 4-2 से हरा कर खिताब अपने नाम कर लिया है। और सबसे सफल टीम जो है दोस्तों ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने कुल 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। देखते हैं आगे, फीफा विश्व कप 2018 अवार्ड सूची। दोस्तों इसको तो आपको एकदम तोते की जैसा रट ही लेना है, क्योंकि ये जो है ये जनरली पूछा ही जाएगा। यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, JPSC, JSSC, झारखंड रेलवे, SSC, SSC, GD, किसी भी तरह की परीक्षा यदि आप तैयारी करते हैं तो ये आपको जानना जरूरी है। इसमें देखिए किसको कौन सी अवार्ड मिला, तो फीफा गोल्डन बूट, क्या है, फीफा गोल्डन बूट किसको मिला, हैरी केन को। फीफा गोल्डन बूट हैरी केन को मिला, और हैरी केन जो है सो इंग्लैंड का खिलाड़ी है, इसने कुल 6 गोल किए थे। कितना किए थे, 6 गोल किए थे, इसीलिए इसको मिला फीफा गोल्डन बूट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको मिलता है गोल्डन बूट। नेक्स्ट देखते हैं फीफा गोल्डन बॉल। देखिए दोस्तों क्या है, फीफा गोल्डन बॉल ये किसको मिला, लुका मेड्रोइक को। ये कहाँ का था, क्रोशिया का। तो दोस्तों आप जानबे करते हैं कि क्रोशिया को जो है फ्रांस 4-2 से हरा कर जीत लिया था, और ये लुका जो है वो कहाँ का खिलाड़ी है, क्रोशिया का, इसको क्या मिला, फीफा गोल्डन बॉल। नेक्स्ट देखते हैं फीफा सिल्वर बॉल किसको मिला, ईडन हजार्ड को, और ये कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। ये जानना जरूरी है दोस्तों किसको क्या मिला। नेक्स्ट है फीफा ब्रॉन्ज बॉल जो मिला, एंटोनी जर्मेनीमैन, ये किसको मिला, इनको मिला, और ये कहाँ के थे, फ्रांस के हैं दोस्तों। फीफा गोल्डन ग्लोब क्या है, फीफा गोल्डन ग्लोब ये मिला है थीबुट क्रोसियस बेल्जियम का। ये दोस्तों टोटल बेल्जियम के 2 खिलाड़ी हैं, देखिए एक बेल्जियम ये है, ये दोनों को मिला है, एक को मिला है फीफा सिल्वर बॉल और एक को मिला है फीफा गोल्डन ग्लोब, यानी कि गोल्डन ग्लोब यानी कि ये जो है गोलकीपर पहनते हैं गोल्डन ग्लोब।
ये जो है अगला क्या है, फेयर प्ले अवार्ड मिला है किनको, स्पेन को, जो पूरे 32 टीम में से सबसे अच्छा जो खेल करके दिखाया है वो है स्पेन को, फेयर प्ले अवार्ड। उसके बाद है यंग प्लेयर अवार्ड, जो सबसे जुआ खिलाड़ी किनको मिला है, केलिन मबप्पे, ये कहाँ के हैं, फ्रांस के। तो देखिए फ्रांस के एक ये हैं फीफा ब्रॉन्ज बॉल, एक ये हैं फ्रांस के, ये है यंग प्लेयर अवार्ड, और तीसरा जो फ्रांस के है मैन ऑफ द मैच फाइनल, ये जो है मैन ऑफ द मैच, सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उनको मिलता है मैन ऑफ द मैच, और ये है, ये भी हैं फ्रांस के ही। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फीफा विश्व कप 2018 के बारे में जानकारी, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको इसमें बता दिया जाएगा कि फीफा विश्व कप 2018 में क्या इंपॉर्टेंट रहा और इसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए। फीफा विश्व कप 2018 के 21वें संस्करण का आयोजन 14 जून से लेकर 15 जुलाई तक रूस किया, यानी कि दोस्तों ये जो फीफा विश्व कप 2018 हुआ ये क्या हुआ, 21वें संस्करण हुआ, और ये जो हुआ 14 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया गया, इसका आयोजनकर्ता जो था क्या था, रूस था दोस्तों। वर्ष 2018 में 31 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 32 दिनों में भाग लिया, 32 टीमों ने भाग लिया, और इसमें कुल जो टीम है 32 टीम इसमें भाग लिया। फ्रांस की टीम ने 15 जुलाई को मॉस्को के लुझिंडी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में क्रोशिया को 4-2 से हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया, और ये दोस्तों इसने जो है किसने, फ्रांस ने क्रोशिया को 4-2 से हराकर ये टीम ये वर्ल्ड कप जो है सो अपने नाम कर लिया। कब, 2018 में फ्रांस ने फुटबॉल इतिहास में दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता, और फ्रांस ने दोस्तों ये लगातार दूसरी बार, ये 14 में भी जो है सो फाइनल में जाके खेला था लेकिन हार गया था, और ये इसका दूसरा विश्व कप है दोस्तों। पहले वह साल 1998 में पहली बार चैंपियन बना था, और ये फ्रांस जो है पहली बार जो चैंपियन बना था कब, 1998 में। फ्रांस अब उरुग्वे और अर्जेंटीना के बाद दो विश्व कप जीतने वाला तीसरा देश बन गया है, और फ्रांस जो है वो तीसरा ऐसा देश बन गया है जो दो बार विश्व कप को जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में बेल्जियम के थियाबाउट कोटुइस को गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला है। देखिए दोस्तों मैंने पहले ऊपर बता दिया है, इसमें जो है सो गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है, इनको मिला है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन को गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, इंग्लैंड के जो कप्तान थे हैरी केन उनको मिला है गोल्डन बूट अवार्ड। केन को विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल, 6 गोल दागे थे, और केन ने जो है इसको गोल्डन बूट इसलिए मिला है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल पूरे मैच में 6 गोल दागे थे, इसलिए इनको गोल्डन बूट मिला है। लुका मैड्रिक फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बॉल के विजेता बने, और ये जो है लुका मैड्रिक फीफा वर्ल्ड कप 2018 के गोल्डन बॉल के विजेता बने। फ्रांस के काइलिन मबापे को फीफा अंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड कप खिताब से नवाजा गया, उन्हें टूर्नामेंट में 4 गोल किए थे, और ये जो है इनको ये पूरे वर्ल्ड कप में जो है इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, इन्होंने टूर्नामेंट में 4 गोल किए थे, सबसे ज़्यादा 6 गोल, और दूसरे नंबर पे जो रहे 4 गोल के मबापे। और आगे देखते हैं पुरस्कार राशि, यदि कोई टीम जीतता है तो उसको कितना पुरस्कार मिलता है, 1 नंबर पर रहने पर कितना मिलता है, तो देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। 2018 वर्ल्ड कप में विजेता टीम को 3.8 करोड़ का इनाम मिलेगा, यानी कि जो विश्व कप जो 2018 जीता है, यानी कि जो फ्रांस ने जीता है, उसको टोटल 3.8 करोड़ का इनाम राशि मिलेगा। वहीं इन स्थानों पर रहने वाली टीमों को क्या इनाम राशि मिलेगी इसके बारे में नीचे बताया गया है, तो देख लेते हैं नीचे क्या बताया गया है। ये विजेता टीम यानी कि जिसने फाइनल जीता यानी कि फ्रांस, उसको टोटल 3.8 करोड़ रुपीज इनको मिलेंगे। रनर अप यानी कि क्रोशिया जो हार गए इसे फ्रांस से जो हार गया उसको मिलेगा 2.8 करोड़। तीसरा स्थान जो जिन्होंने तीसरा स्थान पाया उसको मिलेंगे 2.4 करोड़। चौथा स्थान वाले को मिलेंगे 2.2 करोड़। 5 से 8 स्थान वाले को मिलेंगे 1.6 करोड़ प्रत्येक टीम को, यानी कि जो 5 से 8 तक 8वें नंबर तक जो आया उनको 1.6 करोड़, और 9 से 16वें स्थान तक आने वाले को 1.2, और 17वें से 32वें स्थान तक आने वाले को 80 लाख।
ये इसको अवार्ड मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, आप इसको देख लें और इसको देख लें कि जो विश्व कप जो विजेता है उसको कितना मिलेगी और जो रनर अप है उसको कितना मिलेगी। तो विश्व कप विजेता को 3.8 करोड़ और ये रनर अप को आपको 2.8 करोड़ मिलेगी। फीफा विश्व कप विजेताओं की सूची 1930 से 2018 तक, आप ये इसको भी ज़रा देख लीजिए कि जो है सो फीफा विश्व कप विजेताओं की सूची 1930 से जो 2018 तक किसने जीता और इसका रनर अप टीम कौन थे। तो आप देख लीजिए 2022 में जो फीफा विश्व कप जो होगा वो होगा कतर में, मेजबान देश इसका मेजबानी जो करेगी कतर करेगी। 2018 जो हुआ रूस में हुआ, फ्रांस ने जीता, क्रोशिया रनर अप था। 2014 में ब्राज़ील में हुआ था और इसका विजेता जर्मनी रहा और इसका उपविजेता अर्जेंटीना रहा। आप ये 2010 तक आप देख लीजिए, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। 2010 में मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका था और विजेता स्पेन रहा और नीदरलैंड इसका उपविजेता रहा। तो ये दोस्तों चार जो है चार इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप देख सकते हैं पूरा नीचे तक, आप यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि इसका कौन सी टीम कब जीता था, यहाँ पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ फीफा विश्व कप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।